जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलता है, यह केवल भगवत प्राप्ति के साधन के लिए है। मूर्ख लोग ही इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों की दुखदायी अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है, भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। संसार की ओर से हर समय बेपरवाह रहना चाहिए। संसार के संकल्प अर्थात चिंतन को प्रतिक्षण भुलाने की चेष्टा करनी चाहिए और आनंद मूर्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को चित्त में जमाए रहना चाहिए। इससे संकल्पों का नाश तो होता ही है, इससे संकल्पों का नाश तो होगा ही, भगवान की स्मृति भी सदा बनी रहेगी, जो भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। हर समय भजन ध्यान सत्संग और सेवा के लिए कटिबद्ध होकर चेष्टा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भजन सत्संग ज्यादा होने से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर धारणा होने में देर नहीं होगी, फिर संसार की कामना नहीं रह सकती। नित्य सत्संग करने वालों की मुक्ति में शंका नहीं है। यदि किसी ने नित्य सत्संग करने के लिए आज ही नियम लिया है और वह यदि आज ही रात्रि में मर गया तो भी उसका उद्धार हो ही जाएगा। श्री सेठ जी कहते हैं कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे तत्व रहस्य और प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भक्तिमती गोपियाँ इसी प्रकार भगवान में ही रमण करती हुई उनके प्रेम में मुग्ध हो जाया करती थी। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण विषयक चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहें, उनका आत्मा श्री कृष्ण में हो रहा था। वे केवल श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं। उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की और घर की भी सुध-बुध नहीं रही थी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भाइयों और बहनों से बहुत कहा करता हूँ कि आप भक्तों के चरित्र पढ़ो और बालकों को भी पढ़ाओ तथा उनसे सुनो। बालक उनको कहानी के रूप में शौक से पढ़ेंगे तो उन पर भगवान के भावों का असर पड़ेगा। भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों में एक विलक्षण शक्ति है। उनको यदि मन लगाकर सुना जाए तो हृदय गदगद हो जाएगा, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, गला भर जाएगा, एक मस्ती आ जाएगी। श्रीमद् भागवत में आया है कि जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं का चिंतन करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। बड़े बड़े पापियों का भी आपने उद्धार किया है नाथ, कसाइयों का भी उद्धार किया है, महान चोर डाकुओं का भी उद्धार किया है, यह तो आपका स्वभाव है। इसलिए हे नाथ, हमारा उद्धार आपको ही करना है। हम कैसे ही हैं तो आपके ही, हम आपकी दया के भरोसे आपकी शरण में आए हैं। जैसा कि विभीषण ने कहा है
कि श्रवण सुजस सुनि आय हूँ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, हे पतित पावन, हे अधम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, आपके चरणों का ही आश्रय है और किसी को हम जानते ही नहीं हैं। जाने क्या, आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जो दीन है, नीच है, वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण में आए हैं कि श्रवण सुजस सुनि आय हूँ। हमारे में कमी हो तो आप दूर कर दो, हम तो कमियों से भरे ही हुए हैं। हम अच्छे गंदे जैसे भी हैं आपके हैं, आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।